नेक्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, लास्ट यूनिट, ठीक है। उसमें पहला टॉपिक लेते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। आपने नाम सुना होगा MCB, घर में भी यूज़ होता है MCB। क्यों यूज़ करते हो MCB, क्यों यूज़ करते हैं? जब आपके किसी डिवाइस जो आपने कनेक्ट किया है, सपोज़ मोटर कनेक्ट किया है आपने, ठीक है, कुछ भी आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ किया है, तो उसमें अगर कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशन आती है, मतलब कोई फॉल्ट हो जाता है अंदर, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर ओवरलोड हो जाता है, यानी मोटर आपका ज़्यादा रेटिंग का है और आपने MCB कम रेटिंग की लगाई है, तो बार बार क्या होती रहती है, आपकी MCB ट्रिप होती रहती है, मतलब आपका सर्किट जो है उसको ब्रेक करती रहती है, ठीक है। तो MCB इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन से, फॉल्ट कंडीशन से, ठीक है। जब हेल्दी कंडीशन रहता है तब ये ऑपरेट करने देता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग हमें पढ़ना है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। अलग अलग रेटिंग का MCB होता है, जैसे आपके घर में कम रेटिंग का MCB होता है, ज़्यादा रेटिंग का MCB होता है, वो डिपेंड करता है आपने लोड कैसा कनेक्ट किया है। जैसा लोड आपने कनेक्ट किया है वो उसी हिसाब से करंट लेगा। अगर ज़्यादा करंट ले रहा है तो ज़्यादा रेटिंग की MCB लगानी पड़ेगी, अगर ज़्यादा करंट ले रहा है और आपने कम रेटिंग की MCB लगाई है तो बार बार क्या होती रहेगी, ट्रिप होती रहेगी वो लोड। जैसे ही लोड ऑन करोगे आप, जैसे ही आप वो डिवाइस सिस्टम ऑन करोगे, तो आपकी ट्रिप क्या हो जाएगी, MCB क्या हो जाएगी, तुरंत ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि MCB में एक लिमिटेड एक करंट होता है जो सेट होता है। अगर उससे ज़्यादा करंट होती है तो MCB क्या करती है, तुरंत ऑपरेट करती है और वो अपना काम करती है, मतलब ट्रिप हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। देखो हमें इसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या होता है, ये वो कंडीशन है जब आपका हेल्दी कंडीशन है, मतलब आपका लोड और जो सप्लाई है उसके बीच में आप MCB लगाते हो, तो यानी जब आपका नॉर्मली लोड ऑपरेट हो रहा है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये तब है जब आपका सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें पहले देखिए क्या क्या होता है, ये होता है आपका लाइन, सपोज़ यहाँ ये लाइन, मतलब इधर से सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज्ड है, ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट एक दूसरे से क्या है, क्लोज्ड, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड या मैग्नेटिक एलिमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसका मेन रोल होता है, इसको कहते हैं बाईमेटल स्ट्रिप और बाईमेटल एलिमेंट, ठीक है। और ये वायर ये जो लाइन है, ये वायर यहाँ से होके ऐसे एक कॉइल बनाते हैं सोलेनॉइड, और यहाँ से इसके थ्रू यहाँ से लोड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपका लोड जो है आप लोड बढ़ाते जा रहे हो, मतलब ओवरलोड हो रहा है, मतलब करंट डिमांड आप बढ़ा रहे हो, तो करंट इससे इसके थ्रू इससे आ रहा है, ठीक है। या दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इधर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट। तो यानी जब इस वायर के थ्रू हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा, तो जो भी ये वायर जहाँ भी होगा, इस वायर में इतना करंट फ्लो करेगा कि सब कुछ डैमेज हो जाएगा। तो हमें MCB हमें इन दोनों चीज़ों से बचाती है, ओवरलोड से एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन से। और ये दो तरीके से काम करता है, जब आपका लोड ज़्यादा होता है, MCB की रेटिंग से ज़्यादा लोड आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा। ये बाईमेटलिक स्ट्रिप का देखो क्या रोल होता है, ये लेफ्ट वाली जो स्ट्रिप है और जो राइट वाली स्ट्रिप है, ये अलग अलग मेटल है, मतलब डिसिमिलर मेटल्स को हमने इस तरह से एक साथ जोड़ के इसको बनाया है, ठीक है। आपको पता है कि जो अलग अलग मेटल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब उसका एक्सपेंड होना, वो अलग अलग होता है। सपोज जब आप ओवरलोड कर रहे हो, मतलब इस वायर में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो इस वायर में इस यहाँ पे क्या हो रहा है, हो तो हर जगह रहा है, लेकिन जो इसमें I²R लॉस हो रहा है और जो इस मेटल के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो उस I²R लॉस वो क्या होता है, एज अ हीट डेसिपेट होगा, मतलब टेम्परेचर, वो टेम्परेचर किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, मेटेलिक स्ट्रिप के पास, बाईमेटल के पास। तो इसमें जो ये वाला लेफ्ट वाला मेटल होता है, इन कंपैरिजन टू लेफ्ट मेटल, ये ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और ये एक्सपेंड ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो ये क्या होगा, ये राइट की तरफ ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, ठीक है। दोनों मेटल में अगर एक ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो ये इसको इधर डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी जैसे ही ये इधर इसको डाइवर्ट करेगा, तो ये जो आपका ये फिक्स्ड पॉइंट होता है यहाँ पे, तो इस वायर को ये ऐसे इंक्लाइंड कर देगा, ठीक है। तो इस वायर को इसने, ये ऐसे था पहले, अब इसको ऐसे इंक्लाइंड कर दिया, तो जैसे ही ये ऐसे इंक्लाइंड हुआ, इधर से इसका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ये यहाँ से ऐसे पहले जुड़ा हुआ था, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इससे कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट छूटेगा, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है।
तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट छूटेगा तो ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा मतलब जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दोनों का पहले हो रखा था वो भी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो मतलब इधर से जो भी करंट आ जाएगी वो ब्रेक हो जाएगी, वो लोड के पास करंट नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया आपने, ओपन सर्किट। अब दूसरा ये तो है ओवरलोड कंडीशन। अब दूसरा अगर सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है, तो जैसे फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट आता है, तो MCB को उस टाइम क्या करना पड़ता है, इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ता है। तो इमीडिएट ऑपरेट का मतलब क्या है कि धीरे धीरे थर्मल जो एक्सपेंशन हुआ है, यानी इसके थ्रू जो इसको बोलते हैं थर्मल ऑपरेशन, जो थर्मल ऑपरेशन की वजह से धीरे धीरे चीज़ हो रही है, ये तुरंत एक्सपेंड ऐसे डाइवर्ट ऐसे इंक्लाइंड नहीं होगी तुरंत, ये धीरे धीरे होगी क्योंकि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे इस तरह से एक्सपेंड होगी, ठीक है। लेकिन जब फॉल्ट आता है तो उस केस में आपको तुरंत MCB को ऑपरेट करना है, तो तुरंत क्या करते हैं, जैसे ही करंट का वैल्यू इसमें बढ़ता है तो इसके जो कॉइल है, इसके द्वारा जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मेटेलिक बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ये मैग्नेटिक एलिमेंट है, इसको अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इससे जुड़ा हुआ है, जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो यानी MCB आपकी ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी पहले तो आप सर्किट ब्रेकर का मतलब से सर्किट को तोड़ने वाला, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मतलब वो सर्किट ब्रेकर जो अर्थ के लीकेज को ब्रेक करता है, मतलब अर्थ का लीकेज नहीं होने दे। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कोई एपरेटस है और वो अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे आप उसको टच करते हो तो आपको करंट लग जाता है बहुत ही बार, तो अंदर क्या होता है, कोई लाइव वायर, फेज वायर उसकी मेटेलिक बॉडी से टच रहता है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको टच करते हो तो मेटेलिक बॉडी में जो करंट है, जो वायर उससे टच है, तो आपके थ्रू ग्राउंड में क्या होता है, करंट जाता है, तो हमें क्या लगता है, करंट लगता है। तो हमें ऐसा प्रोटेक्शन करना है कि अगर मेटेलिक बॉडी से वायर टच होता है तो तुरंत आपका जो डिवाइस है वो क्या होना चाहिए, तुरंत ब्रेक हो जाना चाहिए, आइसोलेट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है वो दो तरीके से ऑपरेट करता है, वोल्टेज ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एंड करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसमें हम पहले देखते हैं करंट ऑपरेटेड, तो दिस इज द करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ELCB, दिस इज द वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, सपोज पहले इसको देखते हैं, इधर से दो वायर जा रहा है, सिंगल फेज सप्लाई जा रहा है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट। अब ये डायरेक्ट वायर कनेक्टेड नहीं है, ये किसी आपने रिले बोलते हैं इसको, एक रिले के थ्रू आपने कॉन्टैक्ट इसको टच किया, इन दोनों वायर को कनेक्ट किया, बीच में एक रिले डाल दिया, ठीक है। अब इधर ये दो वायर आगे गया और यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट कर दिया। अब लो इसमें क्या करते हैं आप, एक इस रिले का, इस कॉइल का एक टर्मिनल तो कनेक्ट कर देते हैं लोड से, मतलब लोड की मेटेलिक बॉडी से, इसको मेटल शीथ बोलते हैं, लोड की मेटेलिक बॉडी से एक टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा टर्मिनल अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे ही आपका कोई वायर इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, अगर ये वायर इससे, अर्थ का वोल्टेज कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, तो इस एंड पे कॉइल के हमेशा कितने वोल्ट रहेगा, 0 वोल्ट, ठीक है। जब नॉर्मली ऑपरेटेड है, मतलब आपका वायर बॉडी से टच नहीं है, तो यहाँ पर इसकी मेटेलिक बॉडी पे कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट, तभी तो आपको करंट नहीं लग रहा है। लेकिन जब ये वायर इससे टच हो जाएगा तो इसका वोल्टेज 0 नहीं रहेगा, ठीक है, जो इस वायर का वोल्ट होगा वही इसकी मेटेलिक बॉडी पर वोल्ट एग्जिस्ट करेगा, वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। तो यानी जैसे ये इससे टच होगा तो इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस होगा, और वोल्टेज डिफरेंस का मतलब होता है क्या, करंट। वोल्टेज डिफरेंस जहाँ होता है वहाँ करंट फ्लो करता है, तो इधर वोल्टेज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इधर 0 वोल्ट रहेगा, तो इसमें एक कॉइल में करंट फ्लो करेगा। अब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो जो ये इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप है ये इसको अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेट बनेगा ना ये, तो इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा तो ये कॉन्टैक्ट इसके थ्रू कनेक्टेड है, तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे, डिसकनेक्ट, यानी सर्किट ब्रेकर इसको डिसकनेक्ट कर देगा फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। अब दूसरा देखिए, करंट ऑपरेटेड ELCV, ये क्या होता है, 3-phase सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, 3-wire 3-phase सप्लाई, 3 वायर आगे गया लोड। अब देखिए ये लोड है, लोड का ये आपने क्या दिखाया, मेटेलिक बॉडी, ठीक है, सब ये मेटेलिक बॉडी को हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब तक ये वायर इससे टच नहीं होगा, मेटेलिक बॉडी से इससे, तो इसमें अर्थ में करंट नहीं जाएगा, लेकिन सपोज जैसे ये इससे कनेक्ट हुआ,
ये इससे कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे फोल्ट आ गया बीच में, ये वायर इस मेटेलिक शीट से टच हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वायर सारा का सारा करंट इसमें चला जाएगा, ठीक है, अर्थ में चला जाएगा। तो यानी आप देखोगे तीनों फेज में करंट क्या हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जब तक ये फॉल्ट नहीं आया था तीनों फेज में, तीनों में करंट का मैग्नीट्यूड कितना था, थ्री फेज में हमेशा मैग्नीट्यूड करंट का कितना होता है, सेम। तो अब ये अलग अलग करंट फ्लो करेगा, तो जो ये आपने इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, तो इनकी क्वाइल्स में तीनों वाइंडिंग्स में अलग अलग करंट फ्लो होने से जो ये वायर है न्यूट्रल वायर, जो कॉमन वायर है, इसमें हमेशा इसमें क्या रहेगा, इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो इस कॉइल में करंट आएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। देखो ये क्या होता है, MCB का एडवांस वर्जन होता है MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये MCB का ही एक, मतलब एक तरीके से बड़ा लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है। क्यों, MCB जो होता है हमेशा 100 एम्पियर तक की रेटिंग के लिए यूज करते हैं। जहां ज्यादा एम्पियर की रेटिंग है, जहां ज्यादा वोल्टेज है, वहां हमेशा हम MCCB यूज करते हैं। यानी MCB हम ज्यादातर अपने घरों में कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं, और MCCB हम कहां यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो यानी MCCB इज द मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर विच इज यूज एट हायर वोल्ट करेंट रेटिंग, जो ज़्यादा करंट रेटिंग पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी लगभग 100-200 एम्पियर से ऊपर की करंट रेटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, दैट इज MCCB। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर मेजरमेंट। पावर मेजरमेंट क्या होता है, डीसी में अगर हम बात करें तो पावर, बेसिकली पावर होता क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। अगर डीसी में बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड करंट थ्रू द लोड गिव्स द पावर थ्रू पावर इन द लोड, जो लोड के पास पावर जा रहा है। अगर हम एसी की बात करें तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होता है, उनके बीच में एंगल होता है, दैट इज फाई, उसका कोसाइन आप लेंगे, दैट इज कोस फाई, दैट इज पावर फैक्टर। तो यानी इन केस ऑफ एसी पावर इज, देर आर थ्री पावर्स, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर इज वोल्टेज इन टू करंट, एक्टिव पावर इज द VI cos phi एंड द रिएक्टिव पावर इज VI sin phi। तो यही सब हमने इसमें बताया कि हम DC के लिए कैसे पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सिंपली DC के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द लोड इन टू करंट थ्रू द लोड इज गिव्स द पावर इन द लोड। AC में हम क्या करते हैं, VT इन टू IT, जब इसकी RMS वैल्यू रखेंगे तो VI cos phi, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजप्शन। जो हम अपने घर में एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एनर्जी होता क्या है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, पावर का वोट, टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारे घर में जो हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वो हम वोट में नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पावर आ रहा है वोट में, लेकिन उस वोट को कितने टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ एनर्जी। सपोज़ आपके घर में आपके पास एक 100 वोट का बल्ब है और वो सपोज़ आप दिन में 5 घंटा चलाते हो, ठीक है, 100 वोट का बल्ब है 5 घंटा चलाते हो, तो आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 100 वोट इंटू 5 आवर, यानी 5 × 60 × 60 seconds, तो उतने जूल एनर्जी आपने कंज्यूम किया 5 घंटे में, ठीक है। तो यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, इफ ए 40 वोट लैंप इज टर्न ऑन फॉर 1 आवर, हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैव बीन कन्वर्टेड बाई द लैम्प, यानी उतने टाइम में कितनी एनर्जी लैंप ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर कितना है, 40 वोट इनटू टाइम कैसे निकालोगे, कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट, उसमें 60 सेकंड, तो 1 × 60 × 60 3600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 14400, यानी 14.4 किलो जूल, ठीक है। अब हम किलोवाट आवर की अगर हम डेफिनेशन निकालते हैं तो किलोवाट आवर का डेफिनेशन क्या बनेगा, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वुड बी कन्वर्टेड बाई ए 1000 वोट अप्लायंस व्हेन यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब अगर आपके पास कोई 1000 वोट का अप्लायंस है
उसको आप एक घंटे के लिए चलाते हो तो वो 1 kilowatt hour एनर्जी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सपोज आपके पास 1000 watt का हीटर है, उसको आप एक घंटे के लिए अगर आप चलाते हो तो वो 1 kilowatt एनर्जी कन्वर्ट करेगा या कंज्यूम करेगा। ठीक है, और उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा दूसरी फॉर्म में, ठीक है, हीट एनर्जी में। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ए कंज्यूमर यूजेस ए 6 kilowatt इमर्सन हीटर, ए 4 kilowatt इलेक्ट्रिक स्टोव एंड 300 watt लैंप्स फॉर 10 hours, हाउ मेनी यूनिट्स किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैव बीन कन्वर्टेड। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके घर में एनर्जी आप कंज्यूम करते हो वो किलोवाट आवर में करते हो, और 1 kilowatt hour होता है 1 unit। समझ में आया? जो आपके घर में बिल आता है वो कैसे आता है, यूनिट, कितने यूनिट आपने कंज्यूम किया है। ठीक है, सपोज आपके घर आपने 200 यूनिट कंज्यूम किया है तो पर यूनिट के चार्ज के हिसाब से 200 का टोटल बिल निकल जाएगा। तो 200 यूनिट आपने जो कंज्यूम किया है, तो यूनिट का क्या मतलब होता है, 1 unit मतलब 1 kilowatt hour, यानी 1000 watt 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये किसी कंज्यूमर का इसने डिटेल दिया और इससे पूछा है कि कितने किलोवाट एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, जितने किलोवाट होगा उतने यूनिट। ठीक है, सपोज 2 kilowatt hour आ रहा है तो मतलब 2 unit एनर्जी कंज्यूम किया है। ठीक है, पहले टोटल पी निकाल लो, टोटल पी कितना होगा, 6 kilowatt प्लस 4 kilowatt 10 प्लस एंड 3 यानी 300 watt यानी 0.3 kilowatt, तो 6 प्लस 4 300 upon 1000 10.3 kilowatt, कितने देर के लिए, 10 घंटे के लिए, तो 103 kilowatt hour। ठीक है, तो यानी 103 kilowatt hour मतलब 103 unit, 1 kilowatt hour कितना होता है 1 unit, तो 103 kilowatt hour 103। इलेक्ट्रिकल सप्लाई अथॉरिटीज यूज KWH किलोवाट आवर एज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हाउस होल्डर्स, यानी 1 kilowatt hour को हम 1 unit, जो हमारी जैसे JVNL है वो 1 kilowatt hour को 1 unit कंसिडर करता है, उस हिसाब से हमारा बिल बनता है। ठीक है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक आयरन विच हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohm एंड टेक्स ए करंट ऑफ 3 ampere, इट इज स्विच्ड ऑन फॉर 50 seconds। पहले तो पावर निकाल लो, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर कितना है, 9 × 30। ठीक है, ये आ गया 3² + × 30, कितनी देर के लिए, 15 seconds के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 4050 joule। ए डीसी जनरेटर हैज़ एन ईएमएफ इतना एंड प्रोवाइड्स ए करंट इतना, हाउ मच एनर्जी डज इट प्रोवाइड ईच मिनट, यानी 1 minute में कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है। पहले पावर निकाल लो, पावर क्या होगा, वोल्टेज इंटू करेंट, तो 200 × 10 2000 volt, 15 minute में निकाल लो, नहीं 1 each minute मतलब 60 seconds, तो यानी 2000 × 60 1200, यानी 120 kilojoule, इतनी एनर्जी जो आपका जनरेटर आपको देगा। थैंक यू।